ये रोलर बियरिंग है और ये इसके बाद में इसको ये ढक्कन रोलर फिट करके रोलर ऐसा फिट कर दिया, उसके बाद में ढक्कन है। और जब उन लोगों को वो वाला बताना भूल गया, फिर भी ड्राइंग बना के बता दूंगा, है ना। तो जब रोलर जाम हो जाता है, सीज हो जाता है, अगर दोनों प्लेइंग, अगर एक्सल भी घूम रहा है, जर्नल भी घूम रहा है तो, और बियरिंग भी घूम रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, हॉट एक्सल होगा नहीं, बट बियरिंग सीज हो गया, सपोज बियरिंग जाम, तो वन विल मूव एंड वन विल बी स्टॉप ना, वन विल बी कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा, फ्रिक्शन, अंदर में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन से हॉट एक्सल। हॉट एक्सल का जो टॉपिक है बताएंगे, ठीक। फ्रिक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, एंड दैट इज हॉट एक्सल या हॉट बॉक्स बोलते हैं। इसका सिम्टम्स वगैरह सब और भी हम क्लास में बता देंगे। बियरिंग खराब हो जाएगी, बियरिंग खराब होने से ही ये होता है, वो जाएगी नहीं, बियरिंग खराब होने से ही हॉट एक्सल। हाँ, अच्छा देखो उसका ब्रेक ब्लॉक तुम टच करके देखो, चुप बैठो, ब्रेक ब्लॉक, यस, जो चक्का को टच कर रहा है दैट इज ब्रेक ब्लॉक, और हाँ, और जो पीछे वाला आयरन वाला है वो दैट इज ब्रेक शू, ब्रेक शू है, ये ब्रेक ब्लॉक है बाबू, ये ब्रेक ब्लॉक, हाँ, और उसका पीछे वाला, यस, ब्रेक शू, नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती करता सभी लोग, ब्रेक शू, ब्रेक ब्लॉक, ब्लॉक ही टच करता है व्हील को, सिंपली ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक शू पीछे, टोटल को ब्रेक बीम बोलेंगे, टोटल दोनों को मिला, नहीं दोनों को नहीं, वो पूरा लंबा जो है इधर से लेके उधर तक, इधर से लेके उधर तक, दोनों जो ब्रेक ब्लॉक है, दोनों ब्रेक शू एक ही ब्रेक बीम में बड़ा लगा हुआ है, दैट इज ब्रेक, ठीक है। अच्छा मान लो सपोज ब्रेक्स आर नॉट रिलीज्ड, ब्रेक रिलीज हुआ नहीं ऑटोमेटिकली जैसा हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा, फिर भी अगर इंजन खींचते रहेगा तो स्किडिंग, स्किडिंग होगा, चक्का जो है ये बटरी के ऊपर से स्किडिंग होगा, हाँ, तो व्हील विल बिकम फ्लैट, फ्लैट टायर होगा, दैट इज फ्लैट टायर और फ्लैट व्हील, ठीक है। अभी इधर ये ऑक्सिलरी शुरू कर देखो, है ना, एआर और क्या, एआर है, सिर्फ एआर और डीजल क्वेश्चन, अगर डीजल तो आगे रखा जाएगा, पिस्टन स्ट्रोक कम निकलेगा, लोड के तरफ में करेंगे तो ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना। और ये देखो ये वाला एयर प्रेशर निकल गया, एयर प्रेशर निकल गया, क्यूआरवी, इसको क्विक रिलीज वाल्व, क्विक रिलीज वाल्व, अटना से निकालना पड़ता है सर, ये है आपका एमटी लोड जो हैंडल है ना, अरे इसका आइसोलेटिंग है यार, ऑलरेडी आइसोलेटेड है, इसमें ब्रेक लगेगा नहीं, देखो देख रहा है, माने इसमें कुछ खराबी है, इसमें कुछ खराबी अगर है तो पूरा वैगन में ब्रेक नहीं काम कराने के लिए इसको आइसोलेट किया गया है, दिस इज आइसोलेटेड, व्हाई यू नो, ड्यू टू एनी रीजन द ब्रेक्स आर नॉट अप्लाइंग, ब्रेक्स आर नॉट अप्लाइंग, मतलब इस बॉक्स में, वैगन में, इसीलिए वहीं चलो, वो वाला में हम प्रेशर ड्रॉप